वाले अंकल, इफ यू वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर द कंटेंट, इवन दो मैंने थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया इस वीडियो में, लेकिन थैंक यू। अरे भाभी, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने उस भिखारी को कहा कि भाई छुट्टे नहीं है, तो वो कहता यूपीआई से ट्रांसफर कर दे, ये रहा मेरा क्यूआर कोड। इतना गंदा जोक भी नहीं था मेरे हिसाब से, थोड़ा तो हंस ही सकते थे भाभी जी। अभी पिछले महीने गोवा गया था मेरा बेटा, ये आईफोन 13 लेके आ गया, वो भी मैक्सी प्रो। प्रो मैक्स होता है वो अंकल, मैक्सी तो मम्मियां पहनती है। 1,00,000 का फोन है जी। मैंने कहा बेटा इतने महंगे फोन की क्या जरूरत है, तो कहता पापा पैसों की कमी थोड़ी है। मैंने कहा ये भी सही है। फिर तो काफी अच्छा कमाता होगा आपका बेटा। और नहीं तो क्या भाभी जी, सरकारी नौकरी है, महीने के 1,50,000 कमाता है। आईएएस ऑफिसर भी तो नहीं कमाता। हाँ जी बेटा। जी वो मैं पूछ रहा था कि आपने कभी जेवलिन थ्रो ट्राई किया अंकल? नहीं तो क्या होता है वो बेटा? आपको जेवलिन थ्रो नहीं पता? नहीं। ओलंपिक्स में होता है अंकल। अच्छा अच्छा। उसमें ना बहुत लंबा फेंकना होता है डंडा। डंडा को बहुत लंबा फेंकना होता है, जिसने भी सबसे लंबा फेंका वो जीत गया। आपने कभी ट्राई नहीं किया? मुझे लगा आप एक्सपर्ट होंगे फेंकने में। बड़ा मजाक है मेरा बेटा। यूट्यूबर है ना, कॉमेडी करता रहता है। घर चल तू, आज जैवलिन थ्रो दिखाती हूँ तुझे मैं। कुछ भी बोलता रहता है। महीने के 1,50,000, वो भी सरकारी नौकर। साला शादी में नॉन वेज तो रखा नहीं बुड्ढे ने, चिकन खाने आया था मैं। ऊपर से ईएमआई पे खरीदी आईफोन दिखा रहे मम्मी के सामने। अभी घर जाके मम्मी मेरे को सुनाएगी, इसका बेटा ये, इसका बेटा वो। अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है आज। आप प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं भाभी जी, बच्चे तो मस्ती मजाक करते ही रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे बेटा एक बात बताओ। जी अंकल। तुम कितना कमा लेते हो यूट्यूब से? शिट, इसे पता तो नहीं चल गया मैंने 4 महीने से वीडियो नहीं डाली। ठीक ठाक कमा तो लेते हो ना, वो क्या है ना, मैंने कहीं पे सुना था कि यूट्यूब ज्यादा देता नहीं है, खासकर छोटे यूट्यूबर्स को। अरे कहाँ खो गए बेटा? जी कुछ नहीं अंकल। अरे शर्माओ मत, बताओ बताओ कितना कमा लेते हो? 20,000, 25,000, कितना? कहाँ अंकल, यूट्यूब तो 30% काट ही लेता है। क्या बात कर रहे हो, 30% काट लेता है? फिर तो बहुत कम मिलता होगा बेटा। हाँ अंकल, टैक्स वैक्स लगा के महीने के मुश्किल से नहीं कोई 3-4 लाख। झूठ बोला मैंने? तुम्हें लगता है मैं 3-4 लाख कमाता हूँ महीने के? 15 वीडियोस है मेरे चैनल पे सिर्फ। बेटा ये बड़ा वाला कितने का दिया? जी अंकल ये 900 का है। क्या अंदर पॉपकॉर्न डाल के बेच रहे क्या भाई? हद हो गई, दिन दहाड़े लूटने लग गए आजकल ये लोग। फर्स्ट लव पार्ट 2 के चक्कर में 4 महीने से घर में राशन नहीं आया, इसलिए दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कुकू एफएम। जोक्स अपार्ट, यू नो मैं जब भी अपने वीडियो पे काम करता हूँ आई इधर लिसन टू सॉन्ग्स और पॉडकास्ट, वरना मेरा काम पे फोकस ही नहीं बैठता। एंड अभी ऐसा हो गया कि आई एम रनिंग आउट ऑफ कंटेंट टू लिसन टू, एंड दैट इज वेयर कुकू एफएम केम इन हैंडी। कुकू एफएम इज इंडियाज लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म विद ओवर 1,000 आवर्स ऑफ ह्यूज नॉन फिक्शनल कंटेंट लाइब्रेरी। मतलब समझ लो खत्म ही नहीं कर पाओगे, कितना सुनोगे। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ऐप इज कि तुम अपने रीजनल लैंग्वेज में ऑडियो बुक सुन सकते हो। करेंटली आई एम लिसनिंग टू द बुक समरी कॉल्ड द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, एंड टू बी ऑनेस्ट काफी कुछ सीखने को मिला मुझे इस किताब से। मतलब अभी तक तो आधा ही सुना है मैंने, बट जितना भी सुना सो फार सो गुड। एंड या मैं इसको कंप्लीट करूंगा डेफिनेटली। एनीवेज कुकू एफएम की तरफ से एक स्पेशल ऑफर है तुम्हारे लिए। द फर्स्ट 250 पीपल हु विल यूज माय कोड RG50 विल गेट 50% डिस्काउंट। मतलब एक तो 399 रुपीज में तुम्हें पूरे ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और ऊपर से मैंने 50% डिस्काउंट भी दिला दिया। बताओ कौन करता है इतना इस कलयुग के जमाने में। एनीवेज गो अहेड एंड डाउनलोड कुकू एफएम, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। Only.
अभी मेरी बात कान खोल के सुन ले। इंटरव्यू में जो भी सवाल पूछे सबका जवाब कॉन्फिडेंट होके देना, क्योंकि अगर ये इंटरव्यू भी गया ना हाथ से तो घर के बाहर ही सोना, अंदर मत आना। अरे मम्मी चिल्ला रहे यार आप, कॉन्फिडेंस मेरा मिडिल नेम है, समझो मिडिल नेम। सो मिस्टर जी, गिव अस वन रीजन व्हाई वी शुड हायर यू। Because I am helping the poor, because. Hey, what's up? I know तुम लोग बस लव पार्ट 2 के लिए वेट कर रहे हो। Trust me, it's on the way, बहुत जल्द आने वाला है। बस थोड़े से एनिमेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गए क्लाइमेक्स की तरफ, दैट्स व्हाई मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जल्दी आएगा।